लौटूंगी आपके पास। महेश जी देखिए यहाँ पर जिस तरह से वैभव जी कह रहे हैं कि आप हर चीज का जो ठीकरा है वो विपक्ष पर फोड़ देते हैं, आम आदमी पार्टी पर फोड़ देते हैं, कांग्रेस पर फोड़ देते हैं, आप सपा पर फोड़ देते हैं, आखिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? वैभव जी जानना चाहते हैं और चंचल जी ने भी ये सवाल उठाया था। देखिए जो मौत हुई है या जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है ये वैभव जी या किसी और के लिए मतलब उसका जवाब दे देने मात्र से वो पीड़ा कम नहीं हो जाएगी। और यहाँ ये चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के और अनाप शनाप बक के उसको ये तीसरी नहीं किया जा सकता है। बहुत संवेदनशील मामला है और मामला जो है इस तरह का नहीं है कि जैसे कभी मैं सभ्य आदमी नहीं सभ्य तरीके से आप सभ्य तरीके से बहस किया करो। नहीं नहीं सभ्य तरीके से हम चुप थे आपके आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था। पढ़े लिखे आदमी हो पढ़े लिखे व्यक्ति हो आराम से बात करो, जब अपना टर्न आए तो आप बोल लेना। पढ़े लिखे व्यक्ति हो समझदार व्यक्ति हो बहस करने आए हो एक पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट करने पता चले कि हाँ थोड़ी सी कहीं ना कहीं संवेदनशील मामलाओं में आदमी हंसता नहीं है आदमी अपना इस तरह से खुशी इजहार करते हुए कि देखो हम कैसे बड़बोले की तरह बात कर रहे हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। एंकर को ही डांटना शुरू एंकर को ही डांटना शुरू कर दिया आपने तो आप छोड़ दो इन सब चीजों को। मैं तो इस बात पे आऊंगा चारुल जी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है वैभव जी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं आप। हाँ मेरा सिर्फ ये कहना है चारुल जी कि अगर इस तरह की घटनाओं को मैं फिर से कह रहा हूँ कोई आपके दर्शक भी हमें सोशल मीडिया पे बता सकते हैं जता सकते हैं या हमारे दावे को नकार सकते हैं कि बताएं तो सही कि इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण की कोई घटना इस देश में घटी हो और इतनी त्वरित गति से या वो शासन अमला जमला जो भी था जो भी इसमें दोषी थे उनके ऊपर एक्शन हुआ हो मुआवजे में कोई देरी हुई हो किसी को चिंता देने में। देखिए जैसे हम और महेश जी एक दिन और थे इसी यही डिबेट पे और ये होता ये हमने उस दिन भी चर्चा करी थी कि भाई मेले मेले लगते हैं कहीं कोई आयोजन करता है कहीं 50,000 की जगह जो है वहां संख्या लाख हो जाती है तो ये जो चीज है अपने हाथ में नहीं है। उस समय जब व्यक्ति आयोजक है उसको ये व्यवस्थित तरीके से काम करने की जिम्मेवारी उसकी होती है जवाबदेही उसकी होती है वो एक एफिडेविट भी देता है और इस नाते आज के डेट में जब ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो उसमें ये जरूरी तौर पे इसी वजह से उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ। अब वो FIR दर्ज होने के बाद उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई यही सवाल देखिए महेश जी लगातार उठ रहा है कि इस रिपोर्ट में आखिर आयोजकों का नाम हो जाता है लेकिन नारायण साकार हरि का नाम आखिर इस FIR से क्यों गायब है और ऐसा